मौसम विभाग के अनुसार पिछले दो दिनों से हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण कई राज्यों में एक बार फिर से शीतलहर लौट सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आसपास के इलाकों पर बने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूर्वोत्तर राजस्थान में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक तरफ जहां उत्तराखंड और उत्तरी कश्मीर के कई क्षेत्रों में बर्फबारी होने से तापमान शून्य के नीचे दर्ज किया गया है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ी है। बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी का असर पूरे देश पर पड़ा है और दिल्ली से लेकर पंजाब तक एक बार फिर शीतलहर चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में बारिश नहीं होगी, लेकिन ठंड बढ़ सकती है और आसमान में कोहरा छाया रह सकता है। दिल्ली का एयर क्वालिटी की बात करें तो राजधानी दिल्ली में दो दिन लगातार हुए बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण में गिरावट आई है। सफर के अनुसार गुरुवार की सुबह AQI 235 के साथ यहां की एयर क्वालिटी में सुधार हुआ और यह खराब श्रेणी में पहुंच गई। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 30 दिसंबर को पूर्वी यूपी के भागों में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन अन्य पूर्वी राज्यों में मौसमी हलचल अभी जारी रहेगी। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्वी इलाकों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन मैदानी इलाकों जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।